रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई सामाजिक काम नहीं है और ये काम आज जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन ने किया है। आपको बता दें कि पंचानो ग्राम अंतर्गत गुलशन कॉलोनी स्थित जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब से करीब 150 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान फूल देकर और गिफ्ट देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन, जो हमेशा अपने सामाजिक कामों से जाना जाता है, इसी कड़ी में एक बार फिर जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले और सामाजिक कार्यकर्ता जुल्करनैन अली के नेतृत्व में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तर में ही आयोजित किया गया था, जिसमें करीब करीब 150 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने वाले लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, सभी लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से ही हमारे हेल्थ में सुधार होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं सभी ने जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जुल्करनैन अली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये सामाजिक काम वो हमेशा करते रहते हैं। वहीं जुल्करनैन अली ने कहा कि रक्त का कोई जात और धर्म नहीं होता है, ये किसी के जान बचाने के काम आता है। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, जिसका कर्ज कोई नहीं अदा कर सकता। आगे उन्होंने बताया कि हम हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या फिर किसी की शादी या कोई और मजबूरी, हम हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। आइए सुनते हैं। দেখুন আমাদের মোটামুটি 10 থেকে 15 জন আর বাকি আছে, 135 জন হয়ে গেছে, 150 হলে আমাদের কাজ শেষ। আমরা এবার টার্গেট নিয়েছি 150। দেখুন মানুষের চাহিদা আছে, মানুষকে মানুষ ভালোবাসে, এই জন্য এত বৃষ্টি দিয়ে মানুষ ভিগে এসে রক্ত দিয়েছে। যারা যারা রক্ত দিয়েছেন আমার জজবা তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে, আমার জজবার মেম্বার তরফ থেকে, সবার থেকে, যারা ভাইরা বোনেরা রক্ত দিয়েছেন, মায়েরা পিসিরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। আমরা প্রত্যেক বছরে করি, আগে বছর এই মাসে করেছিলাম, 20 তারিখ করেছিলাম, এবার 18 তারিখ দুদিন পিছিয়ে করেছি, যেহেতু আমাদের আগেবার 103 হয়েছিল, কার্ডটা শেষ হয়ে গেছে, ওই জন্য আমরা দুদিন এগিয়ে করে দিয়েছি। রক্তদান মহাদান वो लोगों को कहेंगे कि वो लोग सबसे बड़ा काम किए हैं। हमारा तो काम है सिस्टम को सजाना, मगर मेन काम तो वो लोग किए हैं जो अपना ब्लड को दान किए हैं। मैं उन सबों को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये रक्तदान में कतराना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को, ये एक दूसरे को, एक दूसरे में खून जाता है, और हम लोग नौजवान लोग, यंग लोग, युवा लोग नहीं देंगे तो कौन खून देंगे। तो इसमें लोगों को जुड़ना चाहिए और ऐसे काम पे लोगों को बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सिर्फ हम लोग रक्त तो यहाँ पे कार्ड ही नहीं करते हैं, कोई लोग अगर आते हैं कि हमारे फादर हॉस्पिटल में है, हमको 2 डोनर लगेगा, तो हम लोग जज्बा के लोग जा करके भी वहाँ पे रक्तदान करते हैं। हम लोग कोलकाता शहर, पूरे शहर कोलकाता में काम किए हैं। आप जज्बा के फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे देखिएगा, हम लोग कलकत्ता में दूर दूर में काम किए, सुंदरबन में जब हम पान आए तो वहाँ भी काम किए, बिहार में समस्तीपुर एक जगह है वहाँ सैलाब आया था वहाँ भी हम लोगों ने जा कर के काम किए हैं, और उड़ीसा एक जगह हम लोग वहाँ भी काम किए। तो जज्बा जहाँ पे जो हम लोगों को फ़ोन करता है या फेसबुक पे ये करता है, मैसेज आता है, तो हम लोग का आदमी वहाँ जा कर के काम को अंजाम देता है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही ब्लड सबको ही देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ब्लड देना, क्या बोलेंगे, बस यही सब में जहाँ भी देखे थोड़ा ब्लड दे, ताकि किसी का हेल्प हो सके किसी के ब्लड से। ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा मतलब योगदान है इंसानियत के लिए और किसी की जान बचाने में। जी जी जी, बेशक बेशक। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ब्लड देना चाहिए, किसी की जान बचती है तो ब्लड देना चाहिए, थोड़े से ब्लड से क्या होगा, ब्लड देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, और बस जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन ऐसे ही काम करते रहे। देखिए, पहली बात तो ये कि जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन और जज्बा के प्रेसिडेंट और जज्बा के तमाम कारकुनान की तरफ से हम तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजार है कि हम लोगों के इस ब्लड डोनेशन कैंप में लोग अपने अपने कीमती वक्त या अपना कीमती खून देकर हम लोगों को शुक्रिया का मौका दिए कि ये ब्लड डोनेशन कैंप अपने मंजिल तक पहुँच रही है। हम लोगों का जो टारगेट है, इंशाल्लाह 150 के लगभग तक
हम लोगों का काम जारी है। बारिश की वजह से थोड़ी सी ताखीर हुई है, पर इंशाल्लाह टारगेट पूरा किया जाएगा। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जो पेज है, उस पेज में ज़्यादातर आपका ही न्यूज़ चैनल हम लोग को कवर करता है, और आप लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहते, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों का क्या काम है या जनाब जुल्कर नैन साहब का क्या काम है। ये खिदमत खल्क करते हैं और लोगों की खिदमत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और हम लोगों को भी ये सीख देते हैं कि तुम लोग भी हर गरीब लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। बहुत ही अच्छा आज जो प्रोग्राम हुआ मेगा ब्लड डोनेशन जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, आज हम लोग पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पर, ब्लड डोनेशन हम लोग किया, यहाँ तक मैंने भी खून दिया हूँ यहाँ पर। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब मिलकर ये वाला फाउंडेशन को और भी आगे करेंगे भाई हम लोग। फर्स्ट है बट इन लोग बहुत हेल्प करते हैं जुल्का भाई, और जुल्का भाई ऐसे बहुत ही ऐसा है जैसे कि आपका गरीबों की मदद करना, और कुछ भी परेशानी हो, शादी हुई, बीमारी है, कुछ भी एनीथिंग प्रॉब्लम अगर जो होती है वो हेल्प करते हैं ये सब चीज़ लेकर। और हमें मालूम ही है जज्बा फाउंडेशन का लेकर, जिन्होंने मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट को लाए हैं जिनका हेल्प उन्होंने बहुत किया है। अनेक भलो सब समय हमारे पास थकें, ब्लाड डोनेशन शुरू नए उन्नी सबा आपदे विपदे विदी बीमारी सब किचुते उन्नी पास सब समय सब पास जार जो विपद आसे उन्नी पास दाड़ा सहाज्य करें उन्नी ओषद फ्रीते दे चशमा फ्रीते दे হ্যাঁ যত গরিব লোক আছে ওনাদের সাহায্য করে। হ্যাঁ তাছাড়া আজকে রক্ত দান করেছে, অনেক আমরা খুশি আছি। ওনার কাছে যখনই আমরা আসি তখনই আমরা পাই, কিন্তু ওনার মতন মানুষ আমি ওনারা দেখি, খুব ভালো লোক। আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই এর জন্য, এই যে আজকের এত বড় অনুষ্ঠানটা করেছে দাদা, যে আজকের একটা মানুষ যে ব্লাড দিচ্ছে, এক ফোঁটা রক্তের জন্য মানুষ আজকের দুনিয়ায় হাহাকার করে বেড়ায়, ব্লাড পায় না। আমরাও তো কিছু কিছু সময় হসপিটালেও যাই, হসপিটালে দেখা যায় যে ব্লাড পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আজকে যেটা করেছে এর জন্য তো অনেক কৃতজ্ঞ থাকা দরকার মানুষের, মানুষের পাশে থাকা দরকার মানুষ। আমি তো বলো মানুষ সবসময় দাদার পাশে থাকুক, দাদা আরও এগিয়ে যাক, আমরা চাই দাদা আরও এগোক।